हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमबीपीएससी प्री क्रॉस कोर्स में आज हम 12वीं सीरीज लेके आने वाले हैं। ये सी टॉयल है। अगर पहली बार हैं देख रहे हैं वीडियो तो आपको नहीं पता होगा, तो ये एमबीपीएससी प्री क्रॉस कोर्स की मैंने एक सी सीरीज़ चलाई है। इसकी जो जितनी भी सीरीज़ आएंगी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए एक रामबाण है प्रीलिम्स के लिए। आपको ये पूरी सीरीज़ ज़रूर बहुत अच्छे से कर लेनी है। इसके पहले की 11 वीडियोज़ के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, 30 डेज क्रैश कोर्स आपको मिलेगा नाम, आप वहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, तो आप वहाँ जाके भी इसकी पुरानी वीडियोज़ देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोषण आहार और पोषक तत्व। ये जो टॉपिक है यूनिट 7 का है और अति महत्वपूर्ण। इसके बता इसका पूरे ही पूरा टॉपिक, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। 251 क्वेश्चन हम आज पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहे। पोषण क्या होता है? तो विशिष्ट रचनात्मक जो उपापचयी क्रिया होती है पोषण कहलाता है। इसमें शामिल क्या होते हैं? हमने भोजन को ग्रहण किया, मतलब अंतःग्रहण, हमने उसका पाचन किया, अवशोषण किया, स्वांगीकरण किया, उसको पचाया, मरम्मत, शारीरिक वृद्धि, ये सभी चीज़ें पोषण में शामिल होती है। पोषण के द्वारा ही ये सभी चीज़ें, ये सभी क्रियाएँ हमारे शरीर में होती हैं। ईंधन से क्या पैर प्राप्त? कोई भी ईंधन होता है, फ्यूल होता है, उसी से हमें एनर्जी प्राप्त होती है। जब भी कोई चीज़ जलती है, कोई चीज़ वर्ण होती है, तो उससे हमें एनर्जी या कैलोरी प्राप्त होती है। शरीर में पोषण के लिए किन तत्वों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है? तो दो तत्वों की नितांत आवश्यकता होती है। एक तो होते हैं ईंधन तत्व और एक होते हैं उत्पादक। शांत और शिथिल अवस्था में जो शारीरिक क्रियाएं होती रहती है उन्हें क्या कहते हैं? तो जो मतलब जिनको करने के लिए हम बैठे हैं और हमारा शरीर काम कर रहा है, पाचन हो रहा है, तो वो नॉर्मल जो शारीरिक क्रिया होती है शांत अवस्था में भी जो होती रहती है उसको हम आधार उपापचय बोलते हैं। ईंधन तत्व किसे बोलते हैं? ईंधन तत्व जिनके जलने से हमको कैलोरी मिलती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, बसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, बसा जितना ज़्यादा मात्रा में लेते हैं हमारे शरीर में फैट टिश्यूज की संख्या जो है बढ़ती रहती है। तो ईंधन तत्व क्या है? कार्बोहाइड्रेट और बसा है और प्रोटीन है। तो ईंधन तत्व कौन कौन से कहलाएंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन क्या करता है? हमारे शरीर की मरम्मत करता है, शरीर की कोशिकाओं को बढ़ाता है। जैसे कि कोई दुबला पतला है तो कार्बोहाइड्रेट बसा के साथ उसको बोलते हैं कि प्रोटीन लो। प्रोटीन से क्या होता है? मसल्स बनती हैं। कहीं कोई जल जाता है, कुछ क्षति हो जाती है, तो प्रोटीन ली देने की सलाह दी जाती है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है मांस बढ़ाता है। मनुष्य के शरीर का मृदु तक अंश कितने प्रतिशत भाग का बना होता है? तो मनुष्य के शरीर के जो मृदु तक होते हैं वो पूरे शरीर का 50% बनाते हैं। क्या सभी अमीनो अम्ल में सभी प्रोटीन पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते हैं। नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? NaCl होता है। आटे का जो प्रोटीन होता है वो ग्लूटेन होता है। आटे के जो प्रोटीन होता है उसमें ग्लूटेन पाया जाता है और उसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल रहते हैं। तो आटा इसलिए रोटी को एक बहुत अच्छा जो है आहार माना जाता है। और इसमें जो आटे का प्रोटीन होता है इसमें ग्लूटेन पाया जाता है जिसमें सभी अमीनो अम्ल पाए जाते हैं आवश्यक, और इसमें लाइसिन की मात्रा कम होती है। मक्का में आपसे पूछे कि मक्का में किसकी कमी होती है, किस एंजाइम की? तो ट्रिप्टोफेन की कमी होती है और अल्प मात्रा में मैथियोनिन की कमी होती है। मनुष्य के शरीर का मृदु ऊतक कितने का बना होता है? मनुष्य के शरीर का मृदु ऊतक कितने प्रतिशत प्रोटीन का बना होता है? कुल शरीर का भाग नहीं बोल रहे हैं, पहले हमने कुल शरीर का भाग पढ़ा था 50%, और पूछ रहे हैं कि मृदु ऊतक प्रोटीन का कितना बना होता है, तो 75% प्रोटीन का बना होता है। फ्रेंड्स, इसकी PDF आप हमारे इंस्टा मोजो की लिंक से या आप हमारे एप्लीकेशन से परचेस कर सकते हैं, और इसके प्रिंट निकाल कर इसको पूरा रट डालिए, आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। एक मनुष्य को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन चाहिए? 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए। मनुष्य को प्रतिदिन 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए, ये आइडल वेट के लिए है, जिसका वेट लगभग 70 kg है, उतने ग्राम उसको प्रोटीन चाहिए है। गर्भवती स्त्री को कितने प्रतिशत प्रोटीन अधिक चाहिए होता है? सामान्य स्त्री से गर्भवती स्त्री को लगभग 50% प्रोटीन अधिक चाहिए होता है, क्योंकि उसके साथ उसके बच्चे का भी शरीर बनता है, तो उसको प्रोटीन अधिक मात्रा में, सेल्स ज़्यादा बनती है तो प्रोटीन की आवश्यकता जो होती है ज़्यादा होती है। प्रोटीन किससे मिलकर बनता है? प्रोटीन अमीनो अम्लों से मिलकर बनता है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि अमोनिया का रासायनिक नाम क्या होता है।
प्रतिदिन के आहार के प्रोटीन का आधा भाग किस रूप में खर्च होता है? जब हम आहार के रूप में प्रोटीन ले लेते हैं तो कुछ प्रोटीन हमारे शरीर की कोशिकाओं को बनाता है और कुछ क्या होता है कि वो हमारे जो ईंधन होता है, ईंधन मतलब हमें कैलोरी मिलती है, उसमें बर्न हो जाता है। मक्के का जो प्रोटीन जीन में किसकी होती है कि मक्के के प्रोटीन जीन में क्या होता है? ट्रिप्टोफेन होता है। हल्का काम जो करते हैं पुरुष, जो मतलब स्टेबल ज़्यादा रहते हैं, बैठे ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, जैसे कि बैंक कर्मचारी वगैरह हैं या कोई ऑफिशियल वर्क रहता है, वो ज़्यादा मेहनत नहीं, उनको 3000 कैलोरी प्रतिदिन चाहिए रहता है। और जो पुरुष कठिन काम करते हैं जैसे कि मजदूरी करते हैं, चलना फिरना ज़्यादा रहता है, उनको 4000 कैलोरी प्रतिदिन चाहिए रहता है। 12 वर्ष की आयु वाले बालक का भोजन किसके बराबर होता है? एक युवक के बराबर होता है। 14 से 18 साल की लड़की के लिए कितनी कैलोरी चाहिए होता है? 2800 से 3000 कैलोरी। एक बालक के पोषण के लिए कितनी कैलोरी चाहिए? 3000 से 3400 किलो कैलोरी। 100 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती है? 41 कैलोरी होती है। और 100 ग्राम प्रोटीन भी व्यक्ति को एक दिन में चाहिए रहता है, उसमें 41 कैलोरी होती है। 100 ग्राम बसा में कितनी कैलोरी होती है? 100 ग्राम बसा में 930 कैलोरी होती है। 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी होती है? 1640 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट में होती है। ये व्यक्ति का डेली का शेड्यूल भी है, कितने 100 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम बसा और 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट उसको लेना है। एक व्यक्ति में कार्बोहाइड्रेट कितना पर डे चाहिए? 400 ग्राम चाहिए। बसा कितनी चाहिए? 100 ग्राम चाहिए। नमक औसत प्रतिदिन कितना खाया जाना चाहिए? 8 से 10 ग्राम। पोषण के लिए कितनी कैल्शियम चाहिए होता है? तो 0.9 से 1 ग्राम। कैल्शियम की वह मात्रा कितने दूध से प्राप्त होती है, मतलब 0.9 कैल्शियम की जो 0.9 से 1 ग्राम की मात्रा है, हम कितना दूध पिए तो हमको इतना कैल्शियम मिल जाए, दूध में कैल्शियम पर्याप्त होता है। तो 2.5 पाव अगर हम दूध पिएंगे तो हमको 0.9 से 1 ग्राम का जो कैल्शियम है वो प्राप्त हो जाएगा। बढ़ने वाले बच्चे, गर्भवती और दूध पिलाने वाली स्त्रियों के लिए इसकी मात्रा कितनी होना चाहिए दूध की, तो कैल्शियम की, तो 1.5 ग्राम होना चाहिए। कैल्शियम के अभाव में किसका विकास रुक जाता है? हड्डियों का विकास कैल्शियम के अभाव में रुक जाता है। 3000 कैलोरी के आहार में फास्फोरस की कितनी मात्रा होना चाहिए? फास्फोरस की मात्रा होना चाहिए 0.88 ग्राम। पोषण के लिए कितने लोहे की आवश्यकता होती है? 12 मिलीग्राम। लोहे की कमी से क्या होता है? रक्तहीनता हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। आयोडीन किस हार्मोन के लिए जरूरी है? थायराइड ग्रंथि के लिए, थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए जरूरी है। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? आयोडीन की, अगर व्यक्ति में आयोडीन की कमी हो जाती है तो ठिगना हो जाता है, बोनापन शिकायत हो जाती है उसमें। रासायनिक आधार पर पोषक तत्व को कितने भागों में बांटा है? तो रासायनिक आधार पर पोषक तत्व को 2 भागों में बांटा है, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक पोषक तत्व कितने होते हैं? कार्बनिक पोषक तत्व 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। कार्बनिक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बन और हाइड्रोजन से बना, प्रोटीन, अमीनो अम्लों से बने, बसा, जल और विटामिन्स। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? रासायनिक यौगिक होते हैं, इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। किसमें पाया जाए, किसके घटक होते हैं ये, इनमें क्या क्या पाया जाता है? RNA और DNA। वयस्कों में कार्बोहाइड्रेट कुल कैलोरी का, वयस्कों में कार्बोहाइड्रेट कुल कैलोरी का कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए? तो वयस्क में जो कुल कैलोरी होता है उसका कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए? 50 से 70%। गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को कुल कैलोरी का कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए? 40 से 60%। वजन कम किस पोषक तत्वों की कमी से होता है? मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट और बसा से। प्रोटीन क्या होते हैं? एक जटिल और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। प्रोटीन की जो रचना होती है उसमें कितने अमीनो अम्ल होते हैं? 20 अमीनो अम्ल श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े होते हैं। कोशिकाओं की वृद्धि और मरम्मत कौन करता है? प्रोटीन करता है। हार्मोन के संश्लेषण में कौन भाग लेता है? प्रोटीन ही लेते हैं। क्वासीओरकर रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से क्वासीओरकर रोग हो जाता है। पुरुष और महिला को ICMR द्वारा कितने प्रतिशत प्रोटीन लेना चाहिए? तो पुरुष को 60 ग्राम और महिलाओं को 50 ग्राम लेना चाहिए। धात्री महिला में प्रोटीन की मात्रा कितनी होना चाहिए? 50 प्लस 25 ग्राम होना चाहिए। गर्भावस्था महिला में प्रोटीन की मात्रा कितनी होना चाहिए? 50, मतलब नॉर्मल 50 होती है, 15 ग्राम एक्स्ट्रा। ऐसे धात्री महिला में नॉर्मल 50 होती है, 25 ग्राम एक्स्ट्रा। 16 से 18 वर्ष के लड़के को प्रोटीन कितना होना चाहिए? 78 ग्राम होना चाहिए। 16 से 18 वर्ष लड़कियों के लिए प्रोटीन कितना होना चाहिए? 68 ग्राम होना चाहिए। सब्जियों में 100 ग्राम में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 1 से 7%। 1 ग्राम बसा कितनी कैलोरी देता है? 9 कैलोरी देता है।
त्वचा रूखी हो जाती है किसके कारण हो जाती है? वसा अगर हमारे शरीर में नहीं होगा, फैट हमारे शरीर में नहीं होगा तो त्वचा रूखी हो जाएगी। विटामिन क्या है? कार्बनिक यौगिक है। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत पानी होता है? 70%। स्वस्थ व्यक्ति को कितना पानी औसत पीना चाहिए? 4 से 5 लीटर पीना चाहिए। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई और के। शरीर की सामान्य वृद्धि तथा रोगों की रक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? क्या आवश्यक है? तो विटामिन आवश्यक है। विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर को कोई कैलोरी प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि ये हमारी रोगों से रक्षा करते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता कितनी है? कितनी हमको विटामिन ए लेना चाहिए? तो 3000 से 4000 IU लेना चाहिए। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी हो जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन B1 की दैनिक आवश्यकता कितनी है? तो 102 मिलीग्राम। विटामिन बी की कमी से क्या हो? तंत्रिका दोष हो जाता है और शरीर का विकास रुक जाता है। विटामिन ए के स्रोत क्या है? दूध, घी, मक्खन, टमाटर, पीले फल, ये विटामिन ए के स्रोत हैं। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लाविन है। विटामिन B2 की दैनिक आवश्यकता कितनी है? 1 से 5 मिलीग्राम। विटामिन B2 का कार्य क्या है? त्वचा तथा मुख के स्वास्थ्य का विकास इसका काम है। अगला है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का नाम पाइरीडॉक्सिन है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उससे जरूर जुड़ जाइएगा। फेसबुक और इंस्टा का भी लिंक मिल जाएगा, उससे भी जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी प्ले स्टोर से एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा मोजो से भी परचेस कर सकते हैं। छोटी छोटी PDF, जैसे इस प्रकार की PDF, ये अपने आप में पर्याप्त है, उस टॉपिक को कम्प्लीट करती हैं। और अगर आपको इंस्टा मोजो या एप्लीकेशन से नहीं ले पाते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, आज वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? मछली के यकृत का तेल विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। कैरोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? गाजर। विटामिन बी समूह कितने प्रकार के विटामिन बना हुआ है? तो 11 प्रकार के विटामिन से बना हुआ है विटामिन बी समूह। विटामिन B1 का स्रोत क्या है? मांस, दूध, सोयाबीन, अंडा। विटामिन B1 की कमी से क्या हो जाता है? बेरी हो जाता है। कौन सा विटामिन बी समूह का विटामिन कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य उपापदार्थों के उपापचय में भाग लेता है? विटामिन B2। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? पैरोथेनिक अम्ल। विटामिन B3 का स्रोत क्या है? ईस्ट, कलेंजी, अंडा, मांस और दूध। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? निकोटिनिक अम्ल। पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B5 की कमी से होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पाइरोडॉक्सिन। विटामिन B6 की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक अम्ल। RBC के परिपक्वन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विटामिन B12। विटामिन BC का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है? तो स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से विटामिन प्रजनन क्षमता को कम करता है, तो विटामिन ई करता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो नेफ्थोक्विनोन है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से नहीं जमता है। विटामिन K1 किस में पाया जाता है? जो वनस्पति भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें पाया जाता है। विटामिन K2 किस में पाया जाता है? सूक्ष्म जीवाणुओं में पाया जाता है। शरीर में टोटल कितने खनिज पाए जाते हैं? शरीर में टोटल 24 खनिज पाए जाते हैं। किस खनिज की मात्रा शरीर में ज़्यादा होती है? कैल्शियम की मात्रा शरीर में ज़्यादा होती है, जिससे हमारे शरीर की हड्डियों का निर्माण होता है। कैल्शियम किस रूप में शरीर में पाया जाता है? तो 99% तो ये अस्थियों में पाया जाता है और 1% नरम ऊतकों में पाया जाता है। शिशु के शरीर में उसके जन्म के समय कितना कैल्शियम पाया जाता है? तो जन्म के समय 27.5 ग्राम पाया जाता है। वयस्क मनुष्य के शरीर में कितना कैल्शियम होता है? 1000 से 1200 ग्राम होता है। शरीर के अस्थि संस्थान और दांतों के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? कैल्शियम। रक्त के थक्के जमने में क्या सहायक तत्व है? कैल्शियम। फास्फोरस शरीर के किस रूप में पाया जाता है? तो अजैविक लवण और फास्फोरिक अम्ल के रूप में पाया जाता है। फास्फोरस का अधिकांश भाग किस रूप में पाया जाता है? तो अस्थियों और दांतों के रूप में ही पाया जाता है। वयस्क मानव शरीर में कितना ग्राम फास्फोरस फॉस्फेट्स के रूप में होता है? तो 400 से 700 ग्राम होता है। सामान्य मनुष्य के रक्त सीरम में अजैविक फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है? तो 2.5 से 4 मिलीग्राम होती है।
वयस्क मनुष्य के शरीर में कितने ग्राम मैग्नीशियम पाया जाता है? तो 25 ग्राम पाया जाता है। मैग्नीशियम की अधिकांश मात्रा काय में पाई जाती है? अस्थियों में पाई जाती है। मैग्नीशियम की कमी से क्या हो जाता है? हाइपरमिया। हाइपरमिया किसकी कमी से होता है? मैग्नीशियम। किस खनिज की कमी से क्वाशियोरकर रोग हो जाता है? मैग्नीशियम की कमी से ही क्वाशियोरकर हो जाता है। नमक का रासायनिक नाम हमने अभी पढ़ा था, सोडियम क्लोराइड NaCl। नमक की कमी से क्या होता है? शरीर में अकड़न हो जाती है। और नमक की अधिकता अगर कर दो तो उच्च रक्तचाप मतलब हाई बीपी। जिसका लो बीपी होता है उसको बोलते हैं कि नमक ज़्यादा खाओ, जिसका हाई बीपी होता है उसको बोलते हैं नमक कम खाएं। वयस्क मानव के शरीर में कितना सोडियम आयनिक रूप में पाया जाता है? तो 100 ग्राम सोडियम पाया जाता है आयनिक रूप में। औसत आहार में कितना सोडियम प्रतिदिन आहार के रूप में जाता है? 5 से 10 ग्राम। 10 से 20 ग्राम नमक सोडियम के रूप में जाता है। वयस्क मनुष्य के शरीर में पोटेशियम कितना पाया जाता है? 250 ग्राम। 10 और नमक सोडियम के रूप में कितना जाता है? 10 से 20 ग्राम। हमको सोडियम प्रतिदिन आहार में 5 से 10 ग्राम लेना पड़ता है। वयस्क मनुष्य के शरीर में कितना पोटेशियम पाया जाता है? 250 ग्राम। पोटेशियम किस में अधिक होता है? तो रेड ब्लड सेल जो होती है, लाल रक्त कणिका RBC, उनमें पाया जाता है। एक वयस्क मनुष्य जो होता है, 70 kg का व्यक्ति जो होता है, उसके शरीर में कितना आयरन पाया जाता है? 4 से 5 ग्राम आयरन पाया जाता है। किस खनिज की बहुत अल्प मात्रा आवश्यक होती है? तांबे की। एक स्वस्थ मानव शरीर में कितना कॉपर पाया जाता है? तो 100 से 150 mg पाया जाता है। कॉपर की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? कॉपर की कमी से एनीमिया हो जाता है। कौन सा होता है? एनीमिया। आयोडीन किसका घटक है? थायरोक्सिन का। वयस्क व्यक्ति की थायराइड ग्रंथि में आयोडीन की मात्रा कितनी होती है? 10 mg होती है। पूरे शरीर में आयोडीन की मात्रा कितनी होती है? 50 mg होती है। सामान्य व्यक्ति के शरीर में लगभग कितने ग्राम जिंक पाया जाता है? तो 1.4 ग्राम से 2.3 ग्राम पाया जाता है। अच्छे संतुलित आहार में जिंक की मात्रा कितनी होती है? संतुलित आहार में जिंक की मात्रा 10 से 15 मिलीग्राम होती है। एक सामान्य मनुष्य जो है, इसका आइडियल वेट 70 किलोग्राम है, उसमें मैग्नीज की मात्रा कितनी होती है? 12 से 20 मिलीग्राम। मैग्नीज कितना होता है? 12 से 20 मिलीग्राम। मैग्नीज की कमी से क्या रोग हो जाते हैं? तो मैग्नीज की कमी से विकास रुक जाता है और प्रजनन भी मंद गति से होता है। शरीर का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? शरीर में सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है। शरीर के कुल भार का जल कितना होता है? 60 से 70%। नरम ऊतकों में जल की मात्रा कितनी होती है? 70 से 80%। अस्थियों में जल कितना होता है? 20%। हृदय धड़कन को संचालित कौन करता है? कैल्शियम करता है। रक्त जमने में सहायक कौन होता है? कैल्शियम होता है। लोह लवण किससे बनता है? हीमोग्लोबिन से। रक्तदाब नियंत्रित करने में कौन सहायक है? सोडियम सहायक है। कीमोथेरेपी किसके इलाज में सहायक है? कैंसर के उपचार में। आनुवंशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन ले जाता है? न्यूक्लिक अम्ल मतलब DNA RNA ले जाते हैं। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? तो 4.2 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट मतलब CO, इसका सिंबल होता है। विटामिन B2 में पाया जाता है। हार्ट टिक या किलनों द्वारा फैलने वाला वायरल रोग कौन सा है? मंकी फीवर। किसके द्वारा फैलता है? हार्ट टिक या किलनों द्वारा। वह प्रक्रिया जिसमें गले के रास्ते लंबी फ्लेक्सिबल ट्यूब डाली जाती है और शरीर के आंतरिक भागों का अध्ययन किया जाता है, कौन सी कहलाती है? एंडोस्कोपी। हेपेटाइटिस एक विषाणु रोग है, इसमें वायरस की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। हेपेटाइटिस जो B और C है, किसके माध्यम से संचारित होता है? ये ब्लड के माध्यम से संचारित होता है। बर्ड फ्लू के लिए उत्तरदायी वायरस कौन सा है? H5N1। बर्ड फ्लू का पहला प्रकरण भारत में कब कहाँ पे आया था? सूरत में। उपापचय नियंत्रक कौन कौन से हैं? एक तो जल है, लवण है और खनिज है। मेडवाय ऐप किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से। आयरन की अधिकता से होने वाला रोग कौन सा है? हीमोक्रोमाटोसिस। कौन सा है? हीमोक्रोमाटोसिस। तामा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। जिंक की कमी से लैंगिक अपरिपक्वता पर बौनापन आता है। मानव शरीर के अस्थियों में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है? 8% होती है पूरे शरीर के। सर्वाधिक कैल्शियम कहाँ किस में पाया जाता है? तो सूखी छोटी मछलियाँ होती हैं उनमें कैल्शियम पाया जाता है। सहजन की फलियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन C पाया जाता है। पशुओं में सामान्य जनन को कौन प्रभावित करता है? विटामिन E। सूर्य के प्रकाश से क्या प्राप्त होता है? विटामिन D प्राप्त होता है। कंदमूल प्रोटीन की कमी को पूरा नहीं कर पाते हैं। राष्ट्रीय पोषण सत्ता कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1982 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रोटीन की रचना कितने अमीनो अम्लों से होती है? 20 अमीनो अम्लों से होती है। बच्चों में दस्त की आवृत्ति को कौन कम करता है? कैल्शियम।
अनाजों में किस अमीनो अम्ल की कमी होती है? लाइसिन की कमी होती है अनाजों में। ICMR 2010 के अनुसार पूर्व विद्यालयीन बच्चों में ऊर्जा एवं प्रोटीन के अनुशंसित आहारी अनुमति कितनी है? 1060 किलो कैलोरी है 16.7 ग्राम में। खनिज शरीर रचना एवं कंकाल के निर्माण के लिए उपयोगी होते हैं। दालों में सीमाकारी अमीनो अम्ल कौन सा है? तो मेथियोनिन है। कौन सा है? मेथियोनिन। उच्च घनत्व लाइपोप्रोटीन SDL को क्या बोलते हैं? अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। गाय के दूध में क्या नहीं होता है? विटामिन सी गाय के दूध में नहीं पाया जाता है। अंडे का जैविक मान कितना होता है? 96 होता है। 1 किलो कैलोरी किसके बराबर है? 4.184 किलो जूल। नियासिन का समृद्ध स्रोत क्या है? साबुत अनाज। ऊर्जा आवश्यकता में वृद्धि नियासिन के अतिरिक्त अंतःग्रहण आवश्यक करती है। मांस मछली अंडे और दूध किसके प्रोटीन के स्रोत? उच्च जैविक मान वाले प्रोटीन के स्रोत हैं। मतलब उनकी बायोलॉजिकल वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है। निकटस्थ मूल तत्व किन्हें बोला जाता है? प्रोटीन बसा और कार्बोहाइड्रेट को। विटामिन ई जो हो लिपिड घुलनशील विटामिन है, मतलब लिपिड में घुल जाते हैं। इनमें कौन सा गुण होता है? इनमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है। शाकाहारी मात्रा में किसकी कमी होती है? विटामिन B12 की। पित्तरस में क्या नहीं पाया जाता? प्रोटीन नहीं पाया जाता है पित्तरस में। गाइट्रोजन वे रासायनिक पदार्थ हैं तो थायराइड ग्रंथि में किसके अब उपयोग को हस्तक्षेप करते हैं? आयोडीन के जब हम उपयोग करते हैं तो उनको उपयोग करने के बीच में समस्या पैदा करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। कौन? गाइट्रोजन। धात्री माता के भोजन में किस पोषक तत्व की अधिकता होना चाहिए? एक कैल्शियम की और एक प्रोटीन की। एक सरल शर्करा जो शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का स्रोत है कौन सा है? ग्लूकोज। फ्रिनोडर्मा क्या होता है? ये आवश्यक बसीय अम्लों की कमी से होता है। आहार में अधिक कार्बोहाइड्रेट अगर ले लेते हैं तो क्या हो जाता है? मोटापा बढ़ जाता है। हीमोग्लोबिन के प्रत्येक ग्राम में कितना आयरन होता है? 3.34 kg आयरन होता है। लैक्टोज क्या है? डाइसेकेराइड है। कौन सा विटामिन शरीर में संश्लेषित होता है? तो विटामिन डी। वृद्धि ऊर्जा मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है? प्रोटीन। वर्तमान में मिशन इंद्रधनुष में कितने टीके शामिल हैं? 12। प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत किस रोग का उन्मूलन कार्यक्रम निर्धारित किया? कुष्ठ निवारण। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन किस रोग हेतु दी जाती है? निमोनिया के लिए दी जाती है। PCV वैक्सीन को आरंभ कब किया गया? 7 अप्रैल 2018 को। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ कब हुआ? 2014 में हुआ राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। रोगी कल्याण समिति सबसे पहले किस जिले में बनाई गई? तो इंदौर के MBI अस्पताल में बनाई गई। निःशुल्क पैथोलॉजी जांच सुविधा कब आरंभ हुई? 2013 में हुई। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता रोकथाम कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 1976 में। खसरा रोग किससे होता है? विषाणु के द्वारा होता है। आहार में बसा की कमी से क्या हो जाता है? लिनोलिक एरिकोडोनिक हो जाता है और एरिडोनोरिक बसी अम्ल की कमी से हो जाता है। राष्ट्रीय वधिरता नियंत्रण और बचाव कार्यक्रम का आरंभ हुआ जनवरी 2017 में। भारत सरकार ने फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य प्रतिवर्ष कब निर्धारित किया? 2020 तक फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया। निरोगी काया संयुक्त खोज अभियान कब आरंभ हुआ? 2018-19 आरंभ हुआ। डॉट्स प्रणाली जो है वो किस रोग के लिए दी जाती है? 6 रोग के लिए दी जाती है। 6 रोग को क्या बोलते हैं? TB, इसको ट्यूबरक्लोसिस बोला जाता है। RDA क्या है? रेकमेंडेड डाइट अलाउंस। पोषण अभियान कब आरंभ हुआ? 2017 से 2018, ये 3 साल का है। उद्देश्य क्या है पोषण अभियान का? बच्चों में स्टंटिंग के स्तर को कम करना। कहाँ से आरंभ हुआ? राजस्थान के झुंझुनू से। राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए कितने रुपये स्वीकृत हुए हैं? 9046.17 करोड़ रुपये। राष्ट्रीय पोषण मिशन का सरकारी बजट कितने प्रतिशत रहेगा? 50%। स्वस्थ बच्चे का भार कब कितना होता है? तो स्वस्थ बच्चे का भार 6 वर्ष की आयु तक उसके जन्म के भार का दोगुना हो जाता है। 6 माह की आयु में, 6 माह की आयु में उसके जन्म का क्या होता है? दोगुना हो जाता है। 1 से 3 आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन कितने कैलोरी चाहिए? 1060 किलो कैलोरी। स्वस्थ गर्भाधान करने आयु रेंज कैसी है? जब गर्भधारण करने के लिए स्वस्थ जो आयु का क्राइटेरिया है वो कौन सा है? तो 20 से 35 वर्ष है। समुदाय में बच्चों के स्वास्थ्य स्थिति की माप क्या कहलाती है? अशोधित मृत्यु दर। किशोरावस्था में बालिकाओं हेतु आयरन की कितनी आवश्यकता होती है? 28 से 30 मिलीग्राम होती है। पूर्ण गर्भावस्था अवधि कितने दिन की होती है? 280 दिन की होती है। गर्भावस्था की तीसरी तिमाही के दौरान अपेक्षित भार वृद्धि कितनी होती है? 1 पाउंड प्रति सप्ताह।
जन्म के समय कम भार को कितने पौंड से कम भार के रूप में परिभाषित किया गया? 5.5 पाउंड। गर्भावस्था में जिंक की कमी किसका कारण बन सकती है? तो कम भार का कारण बन सकती है, क्योंकि डीएनए आरएनए के संश्लेषण में छीनता जाती है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो शेयर कीजिएगा। रूबेला वैक्सीन गर्भावस्था में निषिद्ध है। नीति आयोग के स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार केरल कितने अंकों के साथ प्रथम स्थान पर है? 74। संघ शासित क्षेत्रों प्रदेशों में कौन प्रथम स्थान पर है? लक्षद्वीप। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को आयरन एसिड की कितनी गोलियां दी जाती हैं? 100। गर्भावस्था में होने वाला मधुमेह कौन सा कहलाता है? जेस्टेशनल मधुमेह। गर्भावस्था में रक्त में फोलेट का स्तर कम होने क्या हो जाता है? तंत्रिका नाल दोष हो जाता है। भारत में स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है? नीति आयोग करता है। 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? इसको ICMR बोलते हैं। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत में अनुसंधान निरूपण समन्वय या प्रोत्साहन करने में सर्वोच्च स्थान किसका है? ICMR का ही है। बाल्यावस्था में वयस्कावस्था में संक्रमण की अवधि को क्या कहते हैं? किशोरावया, मतलब बाल्यावस्था से अगर वयस्कावस्था में गए हैं तो वो जो अवस्था क्या कहलाएगी? किशोरावया कहलाएगी। गर्भावस्था के दौरान भार में अधिकांश वृद्धि कब होती है? तो जब व्यक्ति जब कोई भी लेडी गर्भ धारण करती है तो पहले से दूसरी तिमाही जो होती है उसमें वजन जो होता है बढ़ जाता है। मलेरिया, पायरिया और काला ज्वर किसके द्वारा होते हैं? प्रोटोजुआ जनित होते हैं। पैचिस रोग किसके द्वारा होता है? प्रोटोजुआ द्वारा होता है। जन वितरण प्रणाली में वितरित होने वाली मुख्य वस्तुएं कौन कौन सी हैं? गेहूँ, चावल, शक्कर और मिट्टी का तेल। उच्च घनत्व लाइपोप्रोटीन क्या कहलाते हैं? HDL या अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहलाते हैं। फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे पोषण से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन अगर बनता है तो मैं आपको ये हमारे ये वन लाइनर फैक्ट कंप्लीट हो जाएं तो फिर मैं आपको वो भी रिवीजन वीडियो के थ्रू करवा दूंगी। करंट अफेयर्स और पर्यावरण की वीडियो भी जल्दी लेके आऊँगी। यूनिट 7 यूनिट 9 कंप्लीट होते ही हमारे टेस्ट सीरीज़ आप देख ही रहे होंगे। मैं रोज़ एक टेस्ट भी लेके आती हूँ मेरी जो टेस्ट सीरीज़ है उससे, तो टेस्ट ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि टॉपिक वाइज टेस्ट है। आपको उस टॉपिक से संबंधित बहुत सारे अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों का कलेक्शन मिल जाता है, तो आप ज़रूर कीजिएगा। और करंट अफेयर्स की जो कल टेस्ट जो मैंने कराया था उसकी वो जो PDF है वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगी। ये मेरे प्री के नोट्स हैं, ये आप देख सकते हैं, और ये प्री प्लस मेंस दोनों के नोट्स हैं। 67 बुकलेट प्री मेंस की आपको मिलती हैं। इसमें पुराने पेपर्स भी शामिल हैं, प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व पेपर भी शामिल हैं, 3 मार्कर, 5 नंबर और 11 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर शामिल हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।